तो हेलो दोस्तों, टेक्निकल कट्टा पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपको टेक्निकल कट्टा पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर ग्रेजुएशन, राइट ना। सो आपका अगर ग्रेजुएशन हुआ होगा, राइट। ग्रेजुएशन लाइक मींस आप इंजीनियरिंग में क्या की होगी, आपने बी की होगी, राइट। आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स होगा, ओके, बैचलर ऑफ साइंस होगा, बैचलर ऑफ कॉमर्स होगा, राइट ना। सो बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस होगा या बीबीए होगा, राइट। इस टाइप का ग्रेजुएशन के बाद आपको सरकारी जॉब्स, ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कौन कौन से देनी होते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन कौन से होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद, यूपीएससी में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, बैंकिंग सेक्टर होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, रेलवेज होता है, और अदर्स में मैं आपको जॉब के अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट दोस्तों। तो चलिए आगे दोस्तों, वन बाय वन देखते। यूपीएससी दोस्तों, यूपीएससी में आपको कौन कौन से एग्जाम देनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अपना पहला कंबाइंड और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, आईईएस, राइट दोस्तों। उसको क्वालिफिकेशन रहता है बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिकल एएनटीसी और इलेक्ट्रिकल में, राइट। पहला आता है अपना, आपको सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज में जॉब मिल सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स रहती है। इंजीनियरिंग ब्रांचेस ऑफ इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्री सर्विसेस होती है, उसके बाद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेस होती है, उसके बाद इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज होते हैं, उसके बाद सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज होते हैं, उसके बाद सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज होती है, और उसके बाद आपको इंडियन रेलवेज की एग्जाम आपको दे सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स आपको मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम होती है, उसमें आपको आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस, राइट, आईपीएस होगा, इंडियन पुलिस सर्विसेज, और उसके बाद होगा आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज दोस्तों, ओके। तो उसके बाद हम जल्दी जल्दी से देखेंगे दोस्तों कि आगे की कौन सी एग्जाम होगी आपके लिए, राइट। आगे की एग्जाम हम देखते हैं दोस्तों कि डिफेंस जॉब्स कौन कौन से होते हैं। तो आपका पहला डिफेंस जॉब्स आपको एग्जाम होगी सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेस में, एनडीए मीन्स नेशनल डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन, और AFCAT ETC मीन्स एयरफोर्स में आपको डिफेंस में जॉब्स की एग्जाम देनी पड़ती है। उसके बाद आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, और उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज दोस्तों। इतनी एग्जाम टॉप मोस्ट एग्जाम से दोस्तों, बहुत सारी एग्जाम है, मगर ये टॉप मोस्ट एग्जाम आपके लिए मैंने, इनके नेम सजेस्ट किए हैं, ये आप दे सकते हैं, राइट। अभी मैं बैंकिंग सेक्टर में आपको देखूंगा दोस्तों कि बैंकिंग सेक्टर में क्या है। बैंकिंग सेक्टर में आपको एसबीआई पीओ क्लर्क, और एसओ पीओ का मतलब प्रोबेटरी ऑफिसर, क्लर्क सीएल के मीन्स क्लर्क, एसओ मीन्स स्पेशल ऑफिसर, इसके आप एग्जाम दे सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में आप आईबीपीएस आरआरबी के अंडर बहुत सी सारी वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उसमें पहले आते हैं दोस्तों आईबीपीएस पीओ एमटी और एसओ की मीन्स पीओ, यहाँ पे लिखा है मैंने एसओ स्पेशल ऑफिसर, एमटी मीन्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग। उसके बाद आरआरबी थ्रू हम ग्रेड ए और ग्रेड बी की एग्जामिनेशन दे सकते हैं बैंकिंग में। उसके बाद हम आरबीआई के असिस्टेंट ऑफिसर की एग्जाम दे सकते हैं, और उसके बाद हम एलआईसी की, एएओ मींस असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की हम एग्जाम दे सकते हैं। टॉप मोस्ट आपको टॉप पेमेंट मिलते हैं इसमें, उसी एग्जाम्स के नाम मैंने आपको बैंकिंग में सजेस्ट किए हुए है। उसके बाद अगला सेक्शन आता है दोस्तों अपना एसएससी मीन्स स्टाफ, राइट ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, राइट। एसएससी में कौन से आते हैं दोस्तों, टॉप मोस्ट एग्जाम है आपकी एसएससी सीजीएल मींस कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, आपको एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सिक्योरिटी लेवल, हुई आपको कस्टम इनकम टैक्स और एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे आपको लेके जाती है एग्जाम। उसके बाद आपको एसएससी एमटीएस मींस मैनेजमेंट ट्रेनिंग सर्विसेज में, और एसएससी सीपीओ मींस सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आपको जॉब्स मिल सकते हैं, या आप एग्जाम दे सकते हैं, राइट दोस्तों। अभी रेलवेज में आते हैं हम। रेलवेज में हमको स्टैंडर्ड जॉब्स अगर चाहिए तो हम टेक्निकल लोकोमोटिव पायलट इसकी एग्जाम दे सकते हैं, और टीसी टिकट कलेक्टर, ये स्टैंडर्ड जॉब्स रहते हैं दोस्तों आपको ग्रेजुएशन के बाद।
अदर्स में मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्टेट लेवल जॉब्स रहते हैं, ग्रेड सी या ग्रेड डी, हर एक स्टेट अपने अपने लेवल पे ग्रेड सी या ग्रेड डी की एग्जाम लेते हैं। एसीबीआई ग्रेड ए ऑफिसर दोस्तों, मीन्स एसीबीआई ग्रेड ए ऑफिसर मीन्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्तों, राइट। उसके बाद में आपको पीएसयू जॉब्स रहते हैं दोस्तों, पीएसयू जॉब्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जॉब्स रहते हैं। इसमें आपको अभी चार्टेड अकाउंट एग्जाम और पावर ग्रेड एग्जाम आप इसमें दे सकते हैं। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स और चार्टेड अकाउंट्स इसमें क्वालिफिकेशन कंपलसरी है दोस्तों। इसके बाद मैंने आपको स्टेट पीएससी, राइट ना, मीन्स पब्लिक सर्विस कमीशन के आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद आप साइंटिस्ट की भी एग्जाम रहते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम इसरो और डीआरडीओ जैसे संस्थाओं में। और उसके बाद आप लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की आप एग्जाम दे सकते हैं। सो शुक्रिया दोस्तों।